99XM Soundtrack, Ankit Tiwari Special. मेरी दो फिल्में की हुई थी जिसके गाने ऐसे चले नहीं थे. आशिकी 2 के लिए मुझे यू नो अवार्ड मिला. सो मुझे वहाँ से पुश मिला कि यू नो अंकित, अब आपको तो अब तुम्हें और अच्छा काम करना पड़ेगा. आशिकी 2 के बाद मुझे मेरे पास था नहीं काम एज सच, मेरे पास ऐसे गाने थे नहीं करने को. मोहित से बात हुई, मोहित ने बोला कि एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है विलन, मुझे गाना चाहिए. और उसके बाद मोहित हनीमून पे जाने वाला था. जिन्होंने गाना लिखा है मिस्टर मनोज मुंतशिर, उनका फ़ोन आता है मेरे पास और वो मुझे ऐसे कुछ चंद लाइनें बोलते हैं. यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, गलियां. मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है. तो फिर वो मैंने मोहित को भेजी. मैंने कहा मोहित देखो एक गाना है गलियां नाम है उसका, कैसा लग रहा है तुम्हें? तो उसने मुझे फ़ोन किया, कहता बॉस गाना अच्छा है. फिर हमने गाना आगे डेवलप किया और यू नो फिर तो आपके सामने है गाना. स्पेशली इस गाने में एक अलग चीज़ थी कि मोहित का एक स्टाइल है काम करने का और साउंड का भी एक स्टाइल है उसका. वो ब्रेक किया था जो रिफ है गिटार की, डंग 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 डंग, एक रिफ आती है. तो वो चीज़ थी, वो चीज़ पहले किसी को पसंद नहीं आ रही थी और वो चीज़ हमने मतलब ये था कि वो चीज़ निकाल के सिंपल तरीके से ट्रीट करेंगे गाने को. तो फिर मैंने मोहित को बोला, मैंने कहा सिंपल तरीके से ट्रीट कर चुके हैं हम गाने को और ऐसे बहुत से गाने तुम्हारे ही हैं यार, इतने सारे गाने तुमने बनाए, वो मूड के ही गाने वैसे ही रह जाएगा ये. मैंने कहा करते ना यार, लेट्स ट्राई ना, कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं. फिर मैंने लाइव गिटार्स कराए उस पर. फिर वो जब प्रॉपर जब वो रिफ बनी और स्टूडियो में जब हमने मिक्स करके सुना तो लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. मुझे वो याद है वो जो सीन जब वो रिफ आती है तो जीप के पीछे से श्रद्धा बाइक चलाते हुए आ रही है, वो रिफ पे ही है. तो वो एक यू नो एक एटीट्यूड मिलता है. मोहित ने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार हो गया काम ऐसा लगता है. कहता हाँ गाना हिट है. 9XM Soundtrack, Ankit Tiwari Special.